Good evening, everyone. Confirm me, am I audible to all of you? Properly audible and visible, जल्दी से बताइएगा जरा एक बार. Good evening, good evening. तो कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? बढ़िया. ओके, चलिए आ जाइए. कैसा था आज का दिन? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? क्या कुछ सीखा आज आप लोगों ने? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. चलिए आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए जल्दी से. आज स्ट्रेंथ तो बहुत कम दिख रही है. बाकी सभी कहां रह गए अभी? आज इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है भाई अभी तक? ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग की ऑर्गेनिक की टॉपिक वाइज मैराथॉन्स कंप्लीट हो चुकी थी. फिर हमने इनऑर्गेनिक की भी टॉपिक वाइज मैराथॉन्स, महामैराथॉन्स जो हमारी चल रही थी सीरीज, उसको खत्म किया था. अब हमारा यहाँ पे फिजिकल की दो महामैराथॉन्स हैं जो कि अब हम लोग देखने वाले हैं. पहली जो कि हमारी आज होने वाली है, ठीक है ना, पहली आज हमारी यहाँ पे होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, है ना. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है डियर, दैट इज ऑल अबाउट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयनिक इक्विलिब्रियम. तो ये हमारे आज के टॉपिक होने वाले हैं. ओके ओके, ठीक है जी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले कि हम लोग आज की महामैराथन स्टार्ट करें, जैसा कि आप लोग को पता है, जीपैट अचीवर्स टेस्ट आप लोगों के हो रहे हैं. और इस बार का जो आपका जीपैट अचीवर्स टेस्ट है वो 18 मार्च को स्केड्यूल्ड है. और जो टॉपिक होने वाले हैं आपके 13 मार्च से लेकर के 18 तक के आपके टॉपिक्स हैं जो कि इस बार आपको इस बार के अचीवर्स टेस्ट में देखने को मिलेंगे. तो यहां से आपके जो 50 एमसीक्यूज इन टॉपिक्स के होंगे, जरूर आप लोग अटेंड कीजिए, ठीक है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ. पहला क्वेश्चन क्या है जीपैट 2023 का? स्विफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन यहां पे देखो. हाउ वुड यू प्रिपेयर 2000 ml ऑफ 0.15 मोलर NaOH एक्वस सॉल्यूशन? तो आपको यहां पे क्या करना है, ये यहां पे कंसेंट्रेशन टर्म दिया गया हुआ है. किसका? मोलैरिटी. कैपिटल M किसके लिए हुआ करता है? मोलैरिटी के लिए हुआ करता है. और यहां पे लीटर दिया गया हुआ है आपका. सॉल्यूशन के बारे में आपको यहां पे बताना है कि कितना आपको यहां पे ग्राम्स अवेलेबल रिक्वायर्ड है आपको NaOH के इसको बनाने के लिए. एक्वस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट आपको NaOH का चाहिए? तो चलिए ये तो सिर्फ मोलैरिटी का ही कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यहां पे लगा करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. क्या होता है आपको पता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स. N क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स. वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें चाहिए होता है आपको? एल में चाहिए होता है. एल में चाहिए होता है. एन क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं. तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने होंगे NaOH के, उसको आपको यहां पे पुट अप कर दीजिए. मोलैरिटी आपको दी गई हुई है, मास आपको यहां पे आ जाएगा. एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन मोलर मास. मास अपॉन मोलर मास होता है M upon W. मास आपको कैलकुलेट करना है, मोलर मास आप यहां से निकाल सकते हो. NaOH का कितना होता है ऑन एन अप्रोक्सीमेटली? सोडियम के लिए 23 ले लीजिए और ऑक्सीजन के लिए आप 16 ले लीजिए, 1 ले लीजिए आप हाइड्रोजन के लिए. सो आपका 23 प्लस 16 कितना हो गया? 39 प्लस 140. तो W तो आपको पता है 40 होगा इसका. M आपको निकालना है, तो इसको अब आप यहां पे पुट अप कर दीजिए. M कितना दिया गया हुआ है? 0.15 दिया गया हुआ है. N में आपको क्या होता है? M upon W. M upon W लेके नीचे आ जाएगा. W कितना है आपका? 40 है. और आपको लीटर दिया गया हुआ है कितना? 2 लीटर्स. वो पहले ही आपको मेंशन किया गया हुआ है. लीटर में कर लेंगे तो 2 लीटर बन जाएगा. अभी आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ये कितना हो जाएगा? 80 into 0.15 = मास. यही मास होगा. आप कैलकुलेट करके बताओ ये कितना आ रहा है वैल्यू. 80 into 0.15 कितना होगा ये आप बताओ, जरा कैलकुलेट करो. तो 8 5 = 40 0 और 8 1 = 8 4 = 12. तो ये 12 और 1 0 और 2 0 के बाद था 1 2 12 12 ग्राम आ रहा है क्या?
12 ग्राम आ रहा है क्या NaOH को? देखो जरा कहां पे है, ये रहा एक ही ऑप्शन में शायद 12 ग्राम दिया गया है। ए ऑप्शन क्या होगा आपका, यहां से डायरेक्ट आंसर आपको 12 ग्राम दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्या हुआ आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। जी डियर, जी पैट एट योर फिंगर टिप्स में क्या है, वो आपकी थ्योरी बुक है जिसमें आपको कंटेंट सब कुछ मिल जाएंगे। तो मोलैरिटी का सिर्फ और सिर्फ यहां पे कॉन्सेप्ट लगना था आपको, केवल मोलैरिटी का। तो कितना 12 ग्राम, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या था, एज द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज डाइल्यूटेड, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, तो आपको इनमें से कौन सा फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीजेस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंक्रीजेस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस डिक्रीजेस, बोथ स्पेसिफिक एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इंक्रीज या फिर डिक्रीज आपको होंगे। देखो आपके पास क्या था, इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपके आयंस में कन्वर्ट होंगे, आयंस में कन्वर्ट होंगे तो आपका वहां पे क्या होता है, आयंस के फ्लो की वजह से आपको यहां पे देखने को मिलता है जो इलेक्ट्रिकल आपको वहां पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम इसको डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो डिल्यूट करते चले जाएंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पूछा गया हुआ है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस याद है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपसे यहाँ पे पूछा गया हुआ था। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो घटेगा ना, इनवर्स होगा आपका यहाँ पे, तो ये तो क्या होगा कम होने लगेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होने लगेगा। रीजन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या था, आपको पर ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हो, तो हर एक ग्राम इक्विवेलेंट में अभी आपके नंबर ऑफ जो आयंस होंगे, जो आपके मोल्स होंगे, वो तो आपके इलेक्ट्रोलाइट से क्या करेंगे, उसके कंडक्टेंस को इंक्रीज करेंगे। सो आपका ए ऑप्शन क्या हुआ करेक्ट हो जाएगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो घटेगा लेकिन आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब आप डाइल्यूशन करते हैं। डाइल्यूशन करने से आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे डायरेक्ट करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला आ जाइए, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू, जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है वह किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, या फिर ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो देखो जितने भी ये आपके क्या है लॉज होते हैं, कोई भी लॉ की आप बात करते हैं अगर आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो ये सब के सब क्या होते हैं डियर आपके, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। वीक इलेक्ट्रो, स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो काफी तेजी से डिसोसिएट हो जाएंगे, आप उनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो क्या करेंगे, बहुत स्लो आपका डिसोसिएट होंगे, स्लो डिसोसिएशन की वजह से आपको वहां पे प्रॉपर उनके आयंस की स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। सो ये क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आप इनका यूज करेंगे। ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। यस बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि IIT BHU का फॉर्म जो आया हुआ है अभी आप सब लोग उसको फिल कर लीजिए, लास्ट ईयर भी हुआ था, उसके लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, अभी आप लोग फॉर्म फिल कर लीजिए। आगे चल के ये आपको, अभी आपको वहां पे जो GPAT का मार्क्स पूछा जाएगा अभी आप उसको कॉलम में छोड़ दीजिएगा, आगे चल के जब आप GPAT क्वालिफाई करेंगे तो फिर से एक बार विंडो ओपन होती है वहां पे, वहां आप लोग अपने उस स्कोर कार्ड को वहां पे अपलोड कर दीजिएगा, है ना, फॉर्म आप लोग फिल कर दीजिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये क्या होगा आपका एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट व्हिच, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनका आपका डेल्टा वी मिक्सिंग, मींस आप अगर दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हो तो वॉल्यूम ना तो इंक्रीज हो ना तो डिक्रीज हो। अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स कर रहे हैं तो वहां पे चेंज इन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, वो भी जीरो। तो चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन एंथैल्पी, ये दोनों क्या है, अगर जीरो है तो आप बोलते हैं कि ऐसे आपके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। तो आपको जो भी सॉल्यूशंस राउल्ट्स लॉ को ओबे करेंगे वो सभी क्या होते हैं, आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। सोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ना, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन अगर ये शो करते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों तो आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में आ जाएंगे, ये तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हो गए। आपके पास हैज नो कनेक्शन विद राउल्ट्स लॉ, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, राउल्ट्स लॉ तो आपका सबसे मेन लॉ होता है आपके यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, वही क्या होते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। सो डी ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दो सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्ट्स लॉ आर टर्म्ड एज आइडियल सॉल्यूशंस, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस बोलते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल कनिक, इसके बारे में जरूर
बात करता हूं, है ना, और इस पे बहुत जल्द आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैच द सिंबल्स इन लिस्ट वन विद द टर्म्स यूज्ड इन द लिस्ट टू ऑफ कंडक्टेंस मेजरमेंट एंड सिंबल्स। यहाँ पे कंडक्टेंस मेजरमेंट्स और उनके सिंबल्स दिए गए हुए हैं, आपको इनको क्या करना है, मैच करना है। ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स, ओम किसके लिए होता है आपको पता है, ओम क्या होता है आपका, यहाँ पे ओम इनवर्स की जब आप बात करते हो तो ये तो क्या हो गया, ओम इनवर्स की बात करो, या फिर आप यहाँ पे क्या है कंडक्टेंस की बात है कि आपका क्या हो गया यहाँ पे कप्पा जिसको हमने किया था, ये क्या है रेजिस्टिविटी हो गई, ये क्या हो गया मोलर कंडक्टेंस हो गया। तो ये सभी आपके पास में दिए गए हैं, आपको इधर क्या करना है इनके साथ में मैच करना है, आपको इनको क्या करना है इनके सभी के साथ में मैच करना है। तो ये क्या हो गया वन अपॉन आर, ये आपकी क्या हो गई, यहाँ पे एक एक करके जरा मैच करिए, बी सी, ये अलग अलग ऑप्शंस कैसे आप सभी के आ रहे हैं, अलग अलग ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं, चलो 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 मिलाते हैं, चलो भाई। तो ये हो गया आपका क्या, अरे 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 ये क्या है रेजिस्टेंस, तो वन अपॉन आर, वन अपॉन आर ये क्या होता था, जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, इसका नाम क्या होता था कंडक्टेंस हुआ करता था। तो देखो जरा वन अपॉन आर यह क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो गया यहाँ पे, ये क्या है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, कहीं है क्या ऐसा, ये रहा इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ कर दो, ये क्या है ये मोलर आपका कंडक्टेंस हो गया, फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा, के क्या है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आ जाएगा। तो ये आपके इनको दोनों को भी मैच कर दो, तो आपका क्या बन रहा है फर्स्ट का हो गया आपका क्यू, फर्स्ट में क्यू कहाँ कहाँ पे है, इन दोनों को रॉन्ग कर दो, आपका फोर्थ में हो गया क्या आर हो गया, तो फोर्थ में आपका आर ये रहा देखो, ठीक है ना, टू का हो गया आपका एस, ये आपका आ गया हुआ है करेक्ट। तो आपका बी ऑप्शन क्या हुआ, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टरल्स मेथड फॉर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, क्वार्टरल्स मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, क्वार्टरल्स मेथड आप कहां यूज करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखो क्वार्टरल्स मेथड हो गया, बार्कली हार्टली मेथड हो गए, ये सब जो होते हैं ये आपके अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का ही मेजरमेंट होते हैं। जो आपका क्वार्टरल्स मेथड होता है ये आपका होता है फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वार्टरल्स मेथड के थ्रू मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके मुस्कान, इन सबको ज्यादा डीपली आपको देखना है तो आपको फिर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जाना पड़ेगा डियर, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, यस मुस्कान मैं भी तो कुछ कह रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल एट द इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ए ऑक्सीडेशन बी रिडक्शन का, बी ऑक्सीडेशन टू ए रिडक्शन गया हुआ है, तो आपको इसका इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को यहां पे देना है। चलिए 50 यहां पे आपको बताना है, तो ये क्या हुआ ए ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी रिड्यूस हो रहा है, ए कहां पे आपको देखो ए आपका बी ऑक्स में जा रहा है और रिडक्शन होकर के क्या हो रहा है रिडक्शन आपका यहां पे दिया गया हुआ है, तो यहां पे आपको इक्विवेलेंस आपको पूछा गया हुआ है, यहाँ पे आपको इक्वेशन के बारे में जब बात की तो ये क्या हो जाएगा आपका देखो E इज इक्वल टू हो जाएगा बी ई नॉट प्लस ए ई नॉट अपॉन ए बाई बी, इसको आप ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं ए ई टू प्लस बी ई वन, इनका क्या स्टैंडर्ड कंडीशंस पे अपॉन ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका टोटल ई के लिए आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, टोटल ई की वैल्यू यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा, ये आपका G इज इक्वल टू एन ई एफ का जो फॉर्मूला होता है वहां से आप इसको क्या करते हैं निकालते हैं 57th का A, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आती है, चार आपके पास में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ जी अगर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात करते हैं डेल्टा टी एफ, और यहाँ पे क्या आता है आपका क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आता है डेल्टा के एफ आता है आपका, तो यस ये तो आपकी क्या होती है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है जब आप क्या करते हैं सॉल्यूट ऐड करते हो, और यहां पे आपको क्या मिलता है डेल्टा टी भी मिलता है और के भी आपको यहां पे क्या मिलता है इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट आपका, यस ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपका होता ही है, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर की बात करते हैं क्या सही है
जब आप सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं तो उस केस में क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर देखने को मिलता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वीपी, आरएलवीपी जिसको आप बोलते हैं। तो यहां तो एलिवेशन की बात हुई है, तो ये तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो आपका आर ओनली इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना, डी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा यहां पे मेथड है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर के डिटरमिनेशन के लिए यूज किया जाता है, बेकमैन्स मेथड, बार्कलीज हर्टलीज मेथड, कॉटरेल्स मेथड या फिर लैंड्सबर्गर्स मेथड, तो कौन सा होगा जो कि आपका यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं यूज कर रहे होते हैं, बताइए जरा। बॉइलिंग पॉइंट, इब्युलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यस नीलेश सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी 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 यस बिल्कुल सही है। क्या है, बार्कली एंड हार्टली मेथड जो होता है यही आपके क्या होता है एलिवे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम क्या करते हैं इस मेथड का यूज कर रहे होते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज कर रहे होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो सारे दिए भी गए हुए हैं, जो बेकमैन्स मेथड है ये क्या करता है आपका, यूज टू मेजर द स्मॉल टेम्परेचर चेंज इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, कॉटरेल्स मेथड जैसे कि हमने बोला बॉइलिंग पॉइंट के लिए होता है, और लैंड्सबर्गर वाल्कर मेथड जो होता है ये आपका डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन यूजिंग द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, हम क्या करते हैं इसको मेजर करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैटायंस हैज द लोएस्ट मोलर आयनिक कंडक्टिविटी इन वॉटर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें से कौन सा जो आपका केटायन है जिसका सबसे लोवेस्ट होता है मोलर आयनिक कंडक्टिविटी, हाइड्रोजन आयन, लिथियम आयन, सोडियम या फिर सिल्वर आयन, तो देखो इन सभी में जो सबसे लोवेस्ट होता है जिसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी दैट इज लिथियम, लिथियम की सबसे कम देखने को मिलती है, लिथियम की हमको सबसे लोवेस्ट देखने को मिलती है लिथियम आयन, तो यहां पे ए बी ऑप्शन जो है, बी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन दैट इज लिथियम हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही है। यहां पे आपके पास देखो ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, हाइड्रोजन तो सबसे मैक्सिमम है 350, लिथियम देखो 39, बाकी सोडियम का 50 है, पोटेशियम 74 है, अमोनियम का कितना है 74 है, सिल्वर का 62 है, मैग्नीशियम का 53, कैल्शियम का 60 है, तो सबसे लेस्ट लोवेस्ट होता है, लीस्ट जिसको आप कह सकते हैं ये होता है आपके लिथियम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज मूव्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट द एनर्जी एक्सपेंडेड और रिलीज्ड इज कॉल्ड एज, तो यहां से एक्चुअली आपसे पूछा गया कि अगर एक कूलम आपका क्या है एक इलेक्ट्रॉन है इसमें क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम का चार्ज प्रेजेंट है और उसको हम क्या करते हैं 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में क्या करते हैं मूव करते हैं, तो उस केस में आपको जो एनर्जी एक्सपेंडेड या फिर रिलीज हुई है उसको आप क्या बोलेंगे, तो अरे इसको आप बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को आप क्या बोलेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं अलग से और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आप लोग डी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजनेट हाइड्रेटेड प्रोटॉन इज कॉल्ड, हाइड्रेटेड प्रोटॉन किसको बोलते हैं 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, वाटर प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन या फिर प्रोटॉन पंप, तो आपके पास क्या है हाइड्रेटेड प्रोटॉन, हाइड्रेटेड तो ये हो गया आपके पास में प्रोटॉन और आप इसको क्या करो हाइड्रेट कर दो H2O, आप इसको जब ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा H3O+, इसी को आप क्या बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसी का ही दूसरा नाम क्या है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन होता है, तो आपके पास कहां रहा ये रहा बी ऑप्शन, देखो हाइड्रोनियम आयन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट यहां से, दैट इज हाइड्रोनियम आयन को आप हाइड्रेटेड प्रोटॉन के नाम से भी जानते हैं। कैलकुलेट द एक्यूरेट ऑस्मोटिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अ ब्लड सीरम सैंपल यूजिंग लेविस इक्वेशन,
लेविस इक्वेशन हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.53। तो यहाँ पे आपके पास में लेविस इक्वेशन आया हुआ है। लेविस इक्वेशन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हुआ करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जिसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से लिखा गया हुआ है। तो डिप्रेशन भी दिया गया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्या करते हैं, पाई इज इक्वल टू क्या होता है 12 into TF डेल्टा TF माइनस 0.02 डेल्टा TF स्क्वायर, डेल्टा TF स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करिए। पाई आपको फाइंड आउट करना है, 12 into TF कितना दिया गया हुआ है, ये रहा 0.53, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, माइनस 0.02 इंटू 0.53 इंटू 0.53, इसको कैलकुलेट कीजिए और पाई की वैल्यू बताइए, इसको कैलकुलेट कीजिए, पाई की वैल्यू बताइए, ये कितना आ रहा होगा, 12 का हाफ कर दो, नियर अबाउट मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ, ये 6 के आसपास आ गया, यहां से 6 के आसपास ये आ गया। ये वैल्यू आपको पता है 1 से भी कम आएगी, 0 से बहुत कम होगी, ठीक है ना, 0 के पास बहुत, 0 से बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। तो आप देखो यहां से कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करिए और बताइए कितना आ रहा है, इसमें एक ही जगह पे 6 आ रहा है, दैट इज इन ऑप्शन बी, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो मेरे हिसाब से ये बी के आसपास ही आ रहा है, 6 के नियर अबाउट, क्योंकि 12 into 0.53 करेंगे तो ये नियर अबाउट 6 के आसपास आएगा, और ये वैल्यू तो 0 पॉइंट में है, तो बहुत 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 छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो आई गेस ये 6.39 आ रहा होगा, कितना आ रहा है 6.3, बी ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं, यस 6.39 आपका आ रहा होता है, और यही होता है क्या आपका लेविस इक्वेशन भी होता है, यस बी ऑप्शन क्या है करेक्ट हो रहा है, अप्रोक्सीमेशन सही हमने यहां पे कर लिया। इफ 100 ml ऑफ वन नॉर्मल HCl इज डाइल्यूटेड विद 250 ml ऑफ वाटर रिजल्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन वुड बी, अरे ये तो सीधे N1 V1 N2 V2 का है, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2 नॉर्मलाइजेशन, है ना, नॉर्मलाइजेशन यहां पे आपने यहां पे किया, N1 V1 इज इक्वल्स टू N2 V2, 100 ml था 1 N का, 100 ml है 1 नॉर्मल का, आपने नया जो सॉल्यूशन बनाया 250 ml वॉल्यूम ले लिया, नॉर्मलिटी आपको नहीं पता है, N2 आपको नहीं पता है, यही आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है, यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो गया 100 upon 250, ये तो क्रॉस हो गया, ये कितना आ रहा है 0.4 n आ रहा है, देखो कहां है, ये रहा 0.4 n आ रहा है, 0.4 n आ रहा है, क्या देखो जरा 0.4 n HCl का आ रहा है, N1 V1 is equals to N2 V2, ठीक है ना, N1 V1 is equals to N2 V2, सीधे आपका यहां पे आंसर आ जाएगा, N1 V1 आपको दिए गए थे, V2 दिया गया हुआ था, N2 आपको फाइंड करना था, 0.4 आ गया। प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग वन ऑफ इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, तो बताइए जरा कौन सा होगा, कंडक्टिविटी, पीएच, रिफ्रैक्टिविटी या फिर विस्कोसिटी। अगर यहां पे बात की गई हुई है कि प्योरिटी की, तो अगर वहां पे सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं आपके किसमें, वाटर में, तो अगर सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं तो हम क्या वहां पे चेक कर लें, कंडक्टिविटी को, क्योंकि अगर सॉल्ट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो वो क्या होंगे आपके, डिसोसिएट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, और आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करेंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को शो करेंगे। तो यहां पे आप सीधे सीधे क्या कह सकते हैं, कंडक्टिविटी, यस ए ए ए ए, एक तरफ से सबके ए ऑप्शन आ रहे हैं, क्या कंडक्टिविटी अगर टेस्ट कर लिया जाए तो प्योरिटी ऑफ वाटर यहां से हम लोग बता सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये देखो ए लगा भी तो दिया मैंने, सभी के ही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ, ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इंक्रीजिंग टेम्परेचर फेवर्स अ रिएक्शन दैट, हमने बोला ली चार्टलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, आपका जो रिएक्शन है वो किस ओर फेवर होगा, आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका रिएक्शन उस ओर प्रोसीड करेगा जिसको हीट की रिक्वायरमेंट है। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो जिधर हीट की रिक्वायरमेंट है वो हीट उस तरफ जाएगी। तो रिलीज एनर्जी एज हीट, रिक्वायर्स एनर्जी एज हीट, इन्वॉल्व केमिकल कैटलिस्ट ग्लूकोनियोजेनेसिस। आपने क्या किया है, फेवर को, यहां पे आपने हीट को इंक्रीज किया है, तो हीट किधर जाएगी, जिधर उसको
रिक्वायरमेंट है तो उधर को रिएक्शन फॉरवर्ड होगी जिस तरफ में हीट की रिक्वायरमेंट होगी। यस बी ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट की जरूरत जिधर होगी उधर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट उससे पहले जैसा कि आप लोगों को पता है अब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं रह गया है कि आप सारे सब्जेक्ट्स जो भी यहाँ पे जीपैट के रिलेटेड हैं उन सभी का बुक से स्टडी कर सकें। आपको शॉर्ट समराइज सब कुछ एक ही बुक में अगर कंटेंट मिल रहा है दैट इज जीपैट एट योर फिंगर टिप। और अभी तो ये बुक काफी ज्यादा ऑफर्स में भी अवेलेबल है, 875 पेजेस की बुक है और फुली कलर्ड बुक है विद लॉट्स ऑफ न्यूमोनिक्स चार्ट्स एंड वेरियस टेबल्स। तो आई गेस इस बुक को आप लोग को जरूर रेफर करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी छोटे से समय में अगर आप कहीं से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं तो वो सिर्फ ये एक बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पैराकोर एंड मोलर रिफ्रैक्शंस कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई दैट। कौन सी यहां पे क्या है आपकी ये कैटेगरी में आ सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज में, एडिटिव प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्टिव, कोलिगेटिव या फिर एडिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। तो देखो एडिटिव प्रॉपर्टी और कंस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या फर्क है। एडिटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड के होल जो आपके उसके अंदर अवेलेबल मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के एडिशन से आप जिसको पाते हैं। लाइक किसी अगर हम बात करते हैं सब्सटेंस का मास, अगर एटॉमिक मास की बात करते हैं या फिर मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास कैसे आप डिसाइड करते हो, जो भी वहां पे एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स में उन सभी के एटॉमिक मासेस का समेशन करते हैं और आपको क्या करते हैं वहां से उसका मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करते हैं। तो आपका जो मॉलिक्यूलर मास है यह एक एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, अभी आप लोग स्टीरियो केमिस्ट्री की जब बात करते हैं तो स्टीरियो केमिस्ट्री में जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वह आप सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करते हैं कि आपके जो ओरिएंटेशंस हैं ग्रुप्स के उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में वह कहां पे हैं। उन ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होने से वहां पे पूरी की पूरी उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो जाया करती है। सो दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। और पैराकोर और मोलर जो आपके क्या होते हैं रिफ्रैक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है, दैट इज ये एडिटिव प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर है और कॉन्स्टिट्यूटेड भी है। दोनों को क्या करते हैं ये इक्वली यहां पे प्रॉपर्टीज इनहिबिट करते हैं, ये तो क्या कहते हैं एग्जिबिट करते हैं। सो आपकी एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी यहां पे करेक्ट हो जाएंगी। पैराकोर एंड मोलर रिफ्रैक्शंस की बात करते हैं, सो इनके पास एडिटिव एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूटिव दोनों प्रॉपर्टीज हुआ करती है, ठीक है ना, दोनों प्रॉपर्टीज हुआ करती है। चलिए डी 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 डी, चलिए बहुत बढ़िया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रास्ट कैम्फर मेथड इज यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट्स विच आर सॉल्युबल इन मोल्टेन कैम्फर, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द मेथड इज डिपेंडेंट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई दैट। रास्ट कैम्फर मेथड की बात कर रहे हैं यहां पे, क्या करते हैं अगर यहां कैम्फर की बात करते हैं तो यहां हम क्या करते हैं उसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करते हैं और हम चेक करते हैं उसका पर्टिकुलर क्या आपका फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है जैसे ही आप सॉल्यूट ऐड करते हैं कैम्फर में तो उस केस में क्या होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन देखने को मिलता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। और क्योंकि आपको पता है जैसे ही आप कैम्फर को बर्न करेंगे वो तो सीधे सब्लाइम हो जाता है, सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं इसको फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से चेक करते हैं और इसी को आप क्या बोलते हैं रास्ट कैम्फर्स मेथड, रास्ट कैम्फर मेथड। और यहां जो भी सॉल्यूट होते हैं उन सभी का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन जो आता है उसको मेजर करके यहां पे बताया जाता है। एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेट नहीं होता बल्कि क्या होता है बिलो जाता है, डिप्रेशन आता है, डिक्रीज होता है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना, ये कोई आपका वोलेटाइल सॉल्वेंट तो होता नहीं है ना, तो सॉलिड है, लिक्विड के फॉर्म में तो होगा ही नहीं। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट बाई कैम्फर ऑफ कैम्फर बाई द सॉल्यूट, हाँ जी जैसे आप क्या करते हैं सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो कैम्फर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, डिक्रीज कर जाता है। यस बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर बाई द सॉल्यूट। सॉल्यूट के ऐड करने से आपको यहां पर
डिप्रेशन देखने को मिलेगा। बेकमैन्स मेथड और रास्ट कैम्फर मेथड, ये दोनों कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को बताते हैं। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओस्टवाल्ड वॉकर मेथड में आता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपने देखा लेट्सबर्गर वॉकर मेथड आ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में तो हमने कई देखे हुए हैं। टेस्ला इज अ यूनिट टू एक्सप्रेस, टेस्ला इनमें से किसको एक्सप्रेस करती है? फ्रीक्वेंसी, ये तो आपके हर्ट्ज में आप मेजर करते हो। प्रेशर आप पास्कल में मेजर करते हो, बार में या फिर पास्कल में। वोल्टेज की बात करते हो तो ये तो वोल्ट हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हो, हाँ जी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो यही होती है, इसी को आप क्या करते हैं टेस्ला से मेजर करते हैं। टेस्ला आपके इसी की ही यूनिट हुआ करती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। यस, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज है, प्रेशर पास्कल है, वोल्टेज वोल्ट है और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे आपकी टेस्ला आ जाती है। How many grams of drug should be used in preparing 500 ml of 1/2500 solution? 1/2500 का मतलब क्या है कि one part of drug in 2500 parts of solution. 2500 parts of solution का आपका क्या है यहां पे, ये आपका क्या है इसकी कंसंट्रेशन है। आपको क्या करना है, अगर 500 ml सॉल्यूशन रखना है तो इसमें आपका जो ड्रग है, लेट सपोज हम यहां पे डी रख दें, ड्रग लेना है, ये क्या आपका होना चाहिए, इसका क्या पार्ट्स होने चाहिए, कितना पार्ट आपको ड्रग का लेना है। तो 2500 में अगर हमने 1 लिया है तो 500 में क्या होगा, सीधे आप चाहो तो कर लो, इसके लिए अगर 1 है तो 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 को 0.2 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लो। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, 500 को 1 से किया तो 500 यहां आ गया इज इक्वल्स टू डी, और ये तो है ही नीचे पहले से ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया तो ये क्या हो गया 500/2500, ये कट करो 25 को 5 से इधर आप कट करके देखो कितना आ रहा है, 0.2 आएगा, 0.2 आ जाएगा, देखो कहीं पे है, ये रहा ए ऑप्शन ये रहा। बी ऑप्शन कैसे दे रहे हो आप, बी अरे 0.02 हो गया ना यहां, तो इतना ज्यादा क्यों आप कट कर रहे हो, एक पॉइंट लगाओगे 50 हो जाएगा, ये एक पॉइंट लगाने से ही 50 हो जाएगा, अरे थोड़ा सा तो मैथ भी जरूरी है ना, इतना भी नीचे मतलब मैथ को लेकर के चले जाओ हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द दैट ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द दैट ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो साइन आई बाई साइन आर, अरे ये तो क्या होता है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, म्यू से, और इसी का ही नाम क्या होता है भाई, अरे ये तो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ होता है, किसके लिए यूज किया जाता है, रिफ्रैक्शन के लिए, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, डेंसर मीडिया और क्या होता है रेयरर मीडिया, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, दैट इज स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हो जाएगा, स्नेल्स लॉ हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज, किसी इलेक्ट्रोड की वो टेंडेंसी की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो है, इसको आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन या फिर ईएमएफ, तो यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी को तो हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, तो यस सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यहां लिखा गया हुआ था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात होती तब आपका क्या होता, रिडक्शन पोटेंशियल हो जाता, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों मिल करके आपके सेल को बनाते हैं। द यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KWH, वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी वाटर के आयनिक प्रोडक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स या फिर मोल माइनस टू एल माइनस वन या फिर मोल स्क्वायर एल माइनस टू।
तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो ये क्या होता है, आपको KW की जब बात करते हैं तो KW में आपका क्या आता है, यहाँ पे मोल स्क्वायर और लीटर माइनस टू आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। डी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऐसा यूनिट की बात की जा रही है, यूनिट की मतलब बात की जा रही है, और ये किससे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका मोल स्क्वायर एल माइनस टू हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेल कांस्टेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, सेल कांस्टेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय डिवाइडिंग स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और जो ऑब्जर्व कंडक्टेंस हो रहा है, इन्हीं के रेशियो से आप क्या करते हैं, आप बता देते हैं डिवाइड करके, डिवाइडिंग ऑब्जर्व बाय स्पेसिफिक, नहीं स्पेसिफिक से ऑब्जर्व को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और यही सही क्या होता है आपका, ये निकल करके आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो आपका सर इलेक्शंस के बीच में देखो अभी कुछ कहना आई गेस सही नहीं होगा, जैसा भी होगा हमें पता जरूर चल जाएगा, ठीक है ना, जैसा भी होगा पता चल जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस कहां से बात आ गई, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, और यहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम लाते हैं दैट इज Z, और इसी Z को हमने क्या बोला था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल्स हो जाएगा W बाई Q, W वेट है तो ये किसमें लेंगे आप, kg में लेंगे, और Q होता है क्या कूलम, तो कूलम ऊपर लाएंगे तो C माइनस हो जाएगा, तो Z इज इक्वल्स हो जाएगा किलोग्राम कूलम, किलोग्राम पर कूलम, देखो कहां है ग्राम पर कूलम, या फिर ये लो ग्राम पर कूलम हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या होगा यहां से, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा ग्राम कूलम, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। विच विल नॉट अफेक्ट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को कौन अफेक्ट नहीं करेगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर से आपका नॉट अफेक्ट, हाँ टेम्परेचर से आयनाइजेशन में कोई अफेक्ट नहीं आएगा, कंसेंट्रेशन, टाइप ऑफ सॉल्वेंट या फिर करेंट। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से बिल्कुल आयनाइजेशन में इफेक्ट आएगा 100%, कंसेंट्रेशन ज्यादा, कंसेंट्रेशन तो ज्यादा आपको इलेक्ट्रोलाइट्स वहां पे मिल रहे हैं, ज्यादा आपका वहां पे आयनाइजेशन होगा। टाइप ऑफ सॉल्वेंट, अरे कैसा सॉल्वेंट है, पोलर है नॉन पोलर है, तो इससे भी फर्क पड़ेगा। लेकिन करंट, करंट से आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करंट तो आपका क्या है, करंट तो फ्लो होगा आयंस की वजह से ना, आयनाइजेशन में इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आयंस पहले से जो प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, इसके कंडक्ट होने से आयंस का कोई मतलब नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन यहां पे नॉट इफेक्ट में आ जाएगा, करंट, करंट हो जाएगा आपका, जो कि कोई इफेक्ट सो नहीं करेगी करंट की वजह से। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, द वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिस्चार्ज एट इलेक्ट्रोड, तो ये तो वही हमने बोला ना, फैराडे का पहला कॉन्सेप्ट दैट इज W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q एंड W इज इक्वल्स टू ZQ, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, W इज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, और Q क्या है चार्ज अप्लाइड, तो W वाज इज इक्वल्स टू ZQ, आपका ए ऑप्शन। देखो यही तो आपका क्या है, फैराडे का फर्स्ट लॉ है, यही तो आपके फैराडे का क्या हो जाता है, फर्स्ट लॉ हो जाता है, फर्स्ट लॉ हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, हाउ डज अ सॉल्ट ब्रिज फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वह कैसे आपको हेल्प करता है, कैसे हेल्प करता है, बताइए बताइए बताइए, ए ए ए ऑप्शन, ओके, बाय प्रोवाइडिंग अ पाथवे ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, ओके इलेक्ट्रॉन फ्लो के पाथवे को, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो तो आपका इलेक्ट्रोड के थ्रू हो रहा था ना, बाय ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ आयंस, ना 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 आयंस के मूवमेंट को क्यों ब्लॉक करेगा, बाय प्रिवेंटिंग द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन हाफ सेल्स, डिफ्यूजन के लिए इससे क्या मतलब है, ये दोनों को सेपरेट थोड़े कर रहा था, बाय अलाउइंग द एक्सचेंज ऑफ आयंस टू बैलेंस द चार्जेस। जो आपका सॉल्ट ब्रिज होता है इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये मेंटेन कैसे करेगा, जब ये आयंस के प्रॉपर एक्सचेंज को बना करके रखेगा, तो ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई आज स्ट्रेंथ बहुत कम दिख रही है, इतना भी संडे किस बात का मनाना है, किस बात की खुशी हो गई, अभी सिर्फ गेट ही निकला है कुछ लोगों का। व्हाट डज द नेक्स्ट इक्वेशन डिस्क्राइब,
नर्स्ड इक्वेशन किस बात को डिस्क्राइब करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। जो आपका नर्स्ड इक्वेशन है, क्या ये सही बात लिखी गई हुई है क्या? आपका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और कंसेंट्रेशन जो आपके आयंस का है, उसी के ही बारे में तो बात कर रहा था ना। मिक्सिंग को प्रिवेंट करते हैं। अरे नीलेश नहीं, मिक्सिंग को क्यों, सॉल्ट ब्रिज क्यों? अरे सॉल्ट ब्रिज तो ये था ना, ये तो पहले से ही दोनों अलग हुआ करते थे। सॉल्ट ब्रिज तो आपका ये हुआ करता था ना, तो ऑलरेडी आपके दोनों मिक्सचर्स तो सेपरेटेड थे, दोनों सॉल्यूशंस तो सेपरेटेड हुआ करते थे। और इस सॉल्ट ब्रिज में हमने क्या बात की थी कि अगर अगर केसीएल KNO3 ये फील्ड हुआ करते थे, कौन से इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फील्ड थे, तो ये कहां से सेपरेट कर रहे थे? ये तो ऑलरेडी दोनों सॉल्यूशन सेपरेटेड थे, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करते थे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहे थे। कैसे कंफ्यूज हो गए? तो आपका क्या हो गया कि ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसेंट्रेशन जो होता है आयंस के सॉल्यूशन में, इन्हीं का ही तो इक्वेशन हुआ करता है, इन्हीं का ही तो इक्वेशन हुआ करते हैं, इन्हीं के ही बीच का तो रिलेशनशिप बताते हैं। तो ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका, है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है? इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट, आयनाइजेस व्हेन इट इज डिसॉल्वड इन सॉल्वेंट, इट कैन जनरेट आयंस इन मोल्टन स्टेट, या फिर ऑल ऑफ दिस। जरा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं? यस आयंस में डिसोसिएट होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, आयनाइजेशन शो करेंगे जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये जनरेट करते हैं मोल्टन स्टेट, मोल्टन स्टेट में क्या होता है, आयंस आपका सेपरेटेड है और आपका, यस बिल्कुल सही बात है, ये आपका आयंस को जनरेट करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ना, ऑल आर करेक्ट, सबके सब क्या है यहां से, सभी ऑप्शन सही तो करेक्ट है, ठीक है ना, सभी ऑप्शन सही तो करेक्ट है। फहीम बिल्कुल, आप वहां पे चेक करो, आप नंबर्स दिए गए डियर, नंबर्स पे आप कॉन्टेक्ट करो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। What is the primary function of salt bridge in a galvanic cell? ये तो फिर से वैसा ही क्वेश्चन हो गया क्या, कुछ कुछ okay, थोड़ा सा चेंज है कि galvanic cell में आपका salt bridge का क्या function होता है? To generate electricity, नहीं, electricity generate तो आपके होते हैं उन ions की वजह से ही, to maintain electrical neutrality, ये देखो B option सीधे सीधे दिख रहा है आपको, ये electrical neutrality को क्या करते हैं, maintain करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हाइड्रोजन है उसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होता है, यही तो आपके लिए क्या होता है, रेफरेंस होता है, ये तो आपका रेफरेंस होता है ना, इसी से ही तो आप बाकी अदर इलेक्ट्रोड्स को कंपेयर करते हैं और उनके बारे में आप वहां पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल को उनके आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये तो आपका जीरो वोल्ट होता है, इसको तो आप आइडियल वैल्यू लेकर के चलते हैं, ये तो आइडियल वैल्यू होती है, तो जीरो वोल्ट क्या हो जाएगा आपका, यहां से करेक्ट हो जाएगा, सभी टेम्परेचर्स पे ये जीरो ही होता है। व्हाट डज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट मेजर्स, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है वह इलेक्ट्रोलाइट्स के किस बारे में बताता है? तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब क्या होगा कि वो कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की वजह से जो कि पर ग्राम इक्विवेलेंट में जो उसके आयंस कंडक्ट कर रहे होते हैं। सो कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन और आयंस, इसी को आप क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ने ये आपका सिर्फ क्या है, कंडक्टेंस को बताएगा। द टोटल चार्ज ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट, नहीं चार्ज से यहां पे फर्क नहीं पड़ना है। द कंडक्टेंस ऑफ वन इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यस बिल्कुल सही है, वन ग्राम इक्विवेलेंट की जब बात करते हैं तो यही आपके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में बताता है। दैट इज सी ऑप्शन क्या होगा, यहां से सी ऑप्शन होगा क्या आपका, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जा रहा होगा। ऑल राइट, सो जैसा कि आप लोगों को पता है
फर्स्ट प्राइम बैच फॉर 2026 जीपैट एस्पिरेंट्स ये स्टार्ट हो चुके हैं। ओके हेलो अवधूत, कैसे हैं भाई, क्या बात है, आज कहां से ये लोग इधर आ गए नाइपर वाले। अरे संभालो भाई अपने जूनियर्स को, बड़े परेशान है ये लोग, समझाओ इनको सभी को थोड़ा, क्या कर रहे हो आप लोग। तो प्राइम बैच फॉर 2025 एंड 26 ये स्टार्ट हो चुके हैं, क्लासेस आर ऑन गोइंग। जैसा कि आप लोग को पता है कि 26 का ये पहला प्राइम बैच है। अगर अभी तक आपके जूनियर्स जो कि सच में जीपैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें नहीं पता है तो जरूर आप लोग उनको बताइए और जल्द से जल्द क्लासेस में उनको ज्वाइन करने की सलाह दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अरे बहुत परेशान है, दो दिन को समझाओ कुछ, बहुत ज्यादा ये टेंस्ड है, कंफ्यूज्ड है ना, यही से पूछो यही बताएंगे। जिनको जो क्वेश्चन पूछ रहा है पूछ लो भाई सर से। व्हाट डज द मोबिलिटी ऑफ आयंस रिफर्स टू, मोबिलिटी ऑफ आयंस किस बात के बारे में बताती है। द एबिलिटी ऑफ आयंस टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन, द कंसेंट्रेशन ऑफ आयन इन सॉल्यूशन, द एबिलिटी ऑफ आयंस टू रिएक्ट विद ईच अदर। बताइए, ओके ये तो कुछ ज्यादा ही परेशान है सब, तुम सबको डॉक्टर की जरूरत है ना, तुम लोग कुछ ज्यादा ही बीमार हो रखे हो सबके सब, है ना। चलो तो क्या होता है, क्वेश्चन क्या था, व्हाट डज द मोबिलिटी ऑफ आयंस रिफर्स टू। तो मोबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका एबिलिटी है आयंस की मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आयंस की वो मोबिलिटी को, जो आयंस की मूवमेंट है उसको आप क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा डियर, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन, थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी बेस्ड होती है मूवमेंट ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, केमिकल रिएक्शंस बिटवीन आयन, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ आयंस। तो यहां पे अगर आप थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो यह क्या होता है, यह क्या होता है, ये किस बात की ट्रिक की बातें हो रही हैं। चलो सही है, ये भी ठीक है। चलो चलो चलो, तो थ्योरी ऑफ कंडक्टिविटी किस पर बेस्ड होती है, किस पर बेस्ड होती है मूवमेंट ऑफ आयंस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, आयंस की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मूवमेंट होता है उसी से हम क्या करते हैं कंडक्टिविटी की बात करते हैं। यस आई गेस ये दोनों सेम हो गए। व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होती है, द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, द कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अंडर स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस, द मेजर ऑफ टेम्परेचर एट विच द सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, द कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस इन द सॉल्यूशन। तो देखो जब आप बात करते हो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें फिक्स्ड हो जाएंगी, मतलब आप बात कर रहे हो स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करने के बाद। तो पहले अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करोगे तो आप देखो कहां पे है, द कंडीशन ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, और कंडीशंस क्या हो सकती है, वन एटमॉस्फेरिक बार पे, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वन मोलर कंसेंट्रेशन, आप यहां पे बात करोगे तो उस केस में आपकी स्पेसिफिक हो जाएगी जिसको आप स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड कंडक्टिविटी आपकी। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट हैपेंस टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है जिसको आप हेनरी लॉ से बात करते हैं, तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उस पर्टिकुलर लिक्विड में, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में
कैसे डिफर करेगी, कैसे चेंज होगी? इट विल बी डिक्रीजेस, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट इंक्रीजेस, और इट डिपेंड, इट डिपेंड्स ऑन द गैस एंड लिक्विड इन्वॉल्व. गैस और लिक्विड जो इन्वॉल्व है उस पर डिपेंड करेगी. बताओ जरा, तो आपके पास है सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, अगर आप हीट दे रहे हो, टेम्परेचर अप्लाई करोगे, तो इस केस में क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा वेपराइजेशन होगा, और ज्यादा से ज्यादा वेपराइजेशन होगा तो आपका जो लिक्विड है वो खुद क्या होगा, गैसेस में कन्वर्ट होना चाहेगा. तो इस केस में आपकी जो गैस की सॉलिबिलिटी है डियर, वो क्या होगी, वो तो डिक्रीज होने लगेगी ना, वो क्या होने लगेगी, डिक्रीज होगी. अरे गैसेस की सॉलिबिलिटी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये तो घटेगी ना, गैस की सॉलिबिलिटी तो कम होने लगेगी. प्रेशर थोड़े अप्लाई कर रहे हो आपकी सॉलिबिलिटी बढ़ने लगेगी, पिस्टन डाउन कर रहे हो, नहीं, आप टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो इट विल बी डिक्रीजेस. तो ए ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना. चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट डज हेनरीज कॉन्स्टेंट डिपेंड अपॉन, जो हेनरी कॉन्स्टेंट होता है, जो हेनरी कॉन्स्टेंट होता है ये किस बात पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे, गैस का कैसा नेचर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के नेचर पे, टेम्परेचर पे, ऑल ऑफ द अबव पर. तो यस, बिल्कुल सही बात है, गैस कैसी है, हैवी है, नहीं हैवी है. नेक्स्ट आएगा आपका सॉल्वेंट कैसा है, वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है. नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो हमने अभी भी देखा घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, तो उससे, तो यस ऑल ऑफ द अबव ही क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, करेक्ट हो जाएंगे. डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, एओटा आपका करेक्ट हो जाएगा. व्हिच कंडीशन होल्ड्स फॉर आइडियल सॉल्यूशन, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज नॉन जीरो, चेंज इन एंथैल्पी इज नॉन जीरो, नन ऑफ द अबव. तो आपका जो डेल्टा एच मिक्स होता है या फिर जो डेल्टा वी मिक्सिंग होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं, जीरो होते हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन. डेल्टा एच और डेल्टा वी ये क्या होते हैं किसी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ये दोनों ही क्या होते हैं डियर, जीरो हुआ करते हैं. सो आपका ए ऑप्शन देखो जरा, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो यस यही तो करेक्ट है, बाकी कहीं तो ऐसा दिया ही नहीं, बाकी कहीं ऐसा नहीं दिया गया हुआ है, ठीक है ना. तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है. What is the primary purpose of reference electrode in electrochemistry? Reference electrode का electrochemistry में क्या purpose हुआ करता है? Primary purpose क्या है? To provide a stable source of electrical energy, to measure the absolute potential of an electrode, to standardize the potential of working electrode, to facilitate the chemical reaction at the working electrode. तो जरा बताओ, स्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, आप अगर बात कर रहे हो किसका, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, तो ये आपका पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं आप, उससे रिलेशन में कुछ शो करेगा, तो ये तो नहीं हो सकता. टू मेजर द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, एब्सोल्यूट पोटेंशियल की आप यहाँ पे मेजरमेंट कैसे कर सकते हो. टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियल ऑफ नॉन जीरो फॉर रियल, अच्छा जीरो और नॉन जीरो बात कर, ठीक है, यहां यहां इसमें बताओ पहले, इस बी और सी के ऑप्शन ही आप लोग के मिल रहे हैं. टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियल ऑफ अ वर्किंग इलेक्ट्रोड, देखो जो वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसको मेजरमेंट करें, उससे रिलेटिव आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, अपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे होते हैं. सो ये सी ऑप्शन को देखो ना, इस सी ऑप्शन को देखो ना, स्टैंडर्डाइज करने के लिए तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इसका बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना. चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इन अ क्लोज्ड कंटेनर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, एक क्लोज्ड कंटेनर में वेपर प्रेशर का किस बात पर डिफर करे, किस बात पर आपका डिपेंड करेगा. क्लोज्ड कंटेनर है, वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, कंटेनर के वॉल्यूम से किस बात का मतलब, यहां पर जरा सोचो, कंटेनर के वॉल्यूम से क्या मतलब है आपका, टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तब आपका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैसेस मिलेगी और आपका क्या होगा उस केस में, ज्यादा वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा. वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के वॉल्यूम से यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान से सुनो जरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ऑल ऑफ द अबव की तो बात ही नहीं करेंगे. यस, टेम्परेचर सिर्फ आपका क्या होगा यहां पे, आपके वेपर प्रेशर के लिए
बात करेंगे हम लोग। बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। द यूनिट ऑफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या हुआ करती है, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट दैट इज क्या होता है ये, के एफ हुआ करता है, के एफ हुआ करता है। तो ये क्या होगा, के एफ इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा टी एफ इंटू मोलैलिटी, यही तो होता है, डेल्टा टी एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टी एफ किसमें आपका, ये हमेशा केल्विन में मेजर होगा, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की बात करते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा किसमें, केजी में आ जाएगा, ये किसमें आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे कहीं है क्या पर मोल, किलोग्राम पर मोल की बात करेंगे तो के केजी इनटू अपॉन मोल, कहीं है ऐसा ऑप्शन, देखो जरा, यस ये रहा, देखो के दैट इज केल्विन, एक ही जगह पे केल्विन था भी आई गेस, और कहीं केल्विन था भी नहीं, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। द नेचर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड इन AlCl3, तो AlCl3 में आपकी कैसी बॉन्डिंग देखने को मिलती है, AlCl3 ट्राइगोनल प्लेनर होता है, 3 क्लोरीन, और यहां पे तो आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ये कहां से आया, आपके कोवेलेंट बॉन्ड से आता है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद आता है, तो ये तो आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं यहां पे AlCl3 के केस में, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। व्हेन SPM दैट इज अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, ये क्या है आपकी, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है, इज प्लेस्ड बिटवीन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, दो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बीच में अगर हम क्या करते हैं SPM लगाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऑस्मोसिस अकर्स मोर एफिशिएंटली, ऑस्मोसिस डू नॉट अकर, रिवर्स ऑस्मोसिस अकर, और फ्लो ऑफ सॉल्यूट टेक्स प्लेस, क्या होगा, क्या होगा। तो जरा एक बात बताओ, अगर आपके दोनों जो आपके यहां पे क्या है सॉल्यूशंस हैं वो कैसे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैं, तो अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है तो इस केस में आपका कंसंट्रेशन डिफरेंस तो रह ही नहीं गया, तो अगर ये है ही नहीं तो आपका ऑस्मोसिस क्यों ही होगा, दोनों के दोनों ही क्या है आपके ऑस्मोसिस है, तो यहां पे तो ऑस्मोसिस होने का चांस ही नहीं बनता है, सो नो ऑस्मोसिस अकर्स, बी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप किसमें कन्वर्ट कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट कर रहे हो केमिकल में, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऐसे सेल को आप क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक, अरे गैल्वेनिक क्या करते हैं केमिकल को, ये तो केमिकल को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल में, केमिकल का इलेक्ट्रिकल में जो कन्वर्जन होता है ये गैल्वेनिक सेल्स करते हैं, इलेक्ट्रिकल का केमिकल में कन्वर्जन ये आपके कर रहे होते हैं कौन से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कर रहे होते हैं। तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज अराइजिंग ड्यू टू वेराइंग कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्वेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के सिर्फ और सिर्फ नेचर वगैरह पर नहीं, किस बात पर डिफर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है, कंसेंट्रेशंस पर, आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं कर रही है, ऐसी 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 प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, अरे इन्हीं को तो हम बोलते हैं ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या करें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करें, मास ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करें, ना कि नेचर पर। तो आपका ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ए ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, यस बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है यहां पे, ए अरे अब ए यहां पे है क्या, अच्छा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ये तो नहीं हो सकती है, डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, ना यहां एलिवेशन होता है, एलिवेशन होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ होता है, और यहां हमको मिलता है के एफ, इसी को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। तो सी ऑप्शन क्या होगा
डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सी ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। विच लॉ स्पेसिफिकली गवर्न्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस में आपका यहां पे क्या बात हो रही है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहां से पता चलता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, याद है आरएलवीपी और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जब हम बात कर रहे थे तो ये आपका बताता कहां, राउल्ट्स लॉ से पता चलता था, राउल्ट्स लॉ से पता चलता था, जब हम क्या करते थे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते थे तो हमको वेपर प्रेशर में डिक्रीज होने को दिखता था, तो आपका यही क्या था राउल्ट्स लॉ ही तो था, ये क्या था आपका राउल्ट्स लॉ ही तो हुआ करता है, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट व्हाट इज द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू, ये क्या आपको देखने को मिलेगा, आपका जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स आपने ऐड किए हुए हैं उसके ऐड होने से आपका जो रिलेटिव जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग देखने को मिल रही है वह कैसे आप यहां पे बताएंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। यस 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 बिल्कुल 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 98 नहीं 99 पे आ जाओ, अभी 99 पे आ जाओ, 98 का सी वालों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेस, वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन आप कैसे मेजर कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेस, सॉल्वेंट के वेपर फेस से मतलब नहीं सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन लिक्विड फेस, हां जी हां जी हां जी, जो आपका सॉल्यूट है वह आपके सॉल्यूशन में क्या क्वांटिटी है उसका जो मोल फ्रैक्शन है उससे आप क्या करते हैं यहां पे आरएलवीपी को बताते हैं, तो आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूट जो आपने ऐड किया उसकी बात करिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जीरो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बिकॉज जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जीरो होता है पोटेंशियल, क्यों, हाइड्रोजन इज इजीएस्ट टू ऑक्सीडाइज, क्या हाइड्रोजन को इजिली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, इसलिए इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, हाइड्रोजन एटम्स हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, तो हमने जैसा कि बोला हमने इसका ऑलरेडी क्या किया हुआ है एज्यूम किया हुआ है कि इसमें आपका जीरो होता है पोटेंशियल, और ये हमारा क्या होता है हमारे लिए हमारा स्टैंडर्ड होता है, इसी वजह से इसमें क्या होता है आपका जीरो पोटेंशियल माना जाता है, और इसी से हम रेफरेंस लेकर के इनके अदर अदर इलेक्ट्रोड्स का मेजरमेंट करते हैं इस हाइड्रोजन के आइडियल मानते हुए, तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा डियर हो जाएगा करेक्ट। और ये था हमारा आज का महामैराथन सीरीज फिजिकल केमिस्ट्री का, आई गेस इसको ऐसा भी कह सकते हो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का, क्योंकि इसमें दोनों के ही क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे थे, और जैसा कि आपको हमने स्टार्ट में भी बताया है एक बार फिर से क्विक रिकॉल, दैट इज जीडीसी जीपैट अचीवर्स टेस्ट जो कि आपका 15th यहां पे है, और कब है आपका 18th ऑफ मार्च को, तो जल्दी देरी मत कीजिए इस बैच में अपने आप को एनरोल कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस है नहीं, और अपने आप को यहां पे चेक कीजिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, आई होप इट वॉज बेनिफिशियल टू यू ऑल, मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट किसी और क्लास में कुछ और क्वेश्चंस।